चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस आज बहुत अच्छी स्थिति में है और उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब अपना इकट्ठे होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। यदि आप 1% वोट भी नहीं ला सकते पार्टी के लिए तो और क्या संज्ञा दोगे उसको। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए इतने बड़े बड़े महकमे आपके पास थे, 4.5 साल तक सरकार आप चलाने लग रहे थे और उसके बाद हालत ये हो जाए आपकी कि आपका 0.87% वोट यदि प्रदेश में आ रहा है तो उसके लिए सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं उनके साथ जितने और भी थे वो भी बराबर के भागीदार हैं। एसआर से पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने आज दुष्यंत और अभय चौटाला दोनों को जमकर घेरा। लोकसभा चुनाव में इनेलो और जजपा का सुपड़ा साफ होने की बात कहते हुए ब्रजेंद्र सिंह ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को फ्लॉप नेता करार दिया। वहीं इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला को भी जमकर धोया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला 4.5 सालों तक प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे, बड़े बड़े विभाग उनके पास थे, मगर लोकसभा चुनाव में दुष्यंत की पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिला। वहीं ब्रजेंद्र ने अभय चौटाला की इनेलो पर भी जोरदार चुटकी ली। सर, जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली हैं, उन्होंने अपने जोन के डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम उनको नाकाम नेता बताया, तो एक उनमें फूट नजर आने लगे इलेक्शन के बाद, तो किस तरह से देखते हैं आप? जेजेपी में फूट तो दादा गौतम ने पहले दिन तय कर दी थी, उसमें जो नाकाम नेता उन्होंने आजकल बयान दिया कि नाकाम नेता है। यदि आप 1% वोट भी नहीं ला सकते पार्टी के लिए तो और क्या संज्ञा दोगे उसको। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए इतने बड़े बड़े महकमे आपके पास थे, 4.5 साल तक सरकार आप चलाने लग रहे थे और उसके बाद हालत ये हो जाए आपकी कि आपका 0.87% वोट यदि प्रदेश में आ रहा है तो उसके लिए सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं उनके साथ जितने और भी थे वो भी बराबर के भागीदार हैं, तो सिर्फ ये कह के कोई नहीं भाग सकता कि यो अकेला जिम्मेवार है। जिनका बयान आप बता रहे हो वो भी पिछले 2-2.5 साल से मंत्री थे। सर, अभय सिंह का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की मदद कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा का जो इलेक्शन होना है उनमें उन्होंने बैक कर लिया है। यार देखो, अभय सिंह जी की 78,000 वोट आई है, 1.7% टोटल प्रदेश में वोट आई है, वो इतनी बड़ी बात तब कहनी चाहिए जब आदमी का कुछ ब्योंत बन जाए। अभी नहीं है, ठीक है वो कुछ बयान देते हैं क्योंकि देवलाल परिवार से हैं, आप लोग पकड़ते हो, खबर बनती है, अखबार में छपती है, उनको यही चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव में इनेलो और जजपा का कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया है, जिसको लेकर इनेलो और जजपा विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके सरकार बनाने का दम तो भर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने देवीलाल परिवार की इन दोनों पार्टियों को जमीन पर पटक जरूर दिया है। ओचाना से प्रदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।